हेलो दोस्तों, मैं दानिश खान। दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल पे आने के लिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे जो होगा, सबसे पहले मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करने वाला हूँ, मैं ब्लॉग शेयर करने वाला हूँ और कुछ एक्स्ट्रा गॉसिप्स बकचोदिया मैं शेयर करने वाला हूँ जो मेरे थ्रू आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे ऐसा टॉपिक्स होता है जिस पर मैं बोल नहीं पाता हूँ खुलकर। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दानिश भाई मुझे चैनल के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे ग्रो करते हैं, या बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो चैनल है तुक्का, एक वो प्रॉपर प्रैंक और सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए है और एक ये चैनल है जिसपे मैं ब्लॉग के साथ साथ अपने डेली लाइफ को शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कैसे ब्लॉग आप कम से कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्लॉग का जिक्र करता हूँ तो ब्लॉग का सबसे कम से कम, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शुरू करूँ, तो ब्लॉगिंग के लिए होता क्या है। बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए आप अगर ब्लॉगिंग वीडियोस देखते होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, लाइक वो ड्रोन शॉट्स उड़ रहे हैं, वो अलग अलग सिनेमेटिक शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। बट मैंने सोचा कि मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। और कैसे शुरू से शुरुआत किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बहुत ही बेसिक्स इक्विपमेंट लिया है, बहुत ही बेसिक्स चीज़ें खरीदी है स्पेशल ब्लॉग के लिए। ब्लॉग के लिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि ब्लॉग मैंने, मेरे माइंड में जब आइडियाज आया था कि मुझे ब्लॉग करना है, तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक वीवो V20 मोबाइल है, बहुत अच्छा इसका कैमरा है, कुछ इसका खासियत मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ये अपना काम काज करते रहता है। तो मैं सोचा कि ब्लॉग कर लेता हूँ, बट आज से ट्राई किया तो मुझे ये बहुत अटपटा सा मतलब लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये हो सकता है यार, थोड़ा सा ये देख रहे हैं ना कितना स्मूथ है, स्लिप हो सकता है, मोबाइल गिर सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई मोबाइल से ऐसे हाथ में रख के तो एकदम नहीं करना है, मुझे वीवी कॉइंस नहीं बनना है भाई, बहुत टैलेंटेड बनता है यार हैट्स ऑफ। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विपमेंट क्या क्या लगती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लॉग शुरू करूँ, चैनल स्टार्ट करूँ, तो क्या क्या इक्विपमेंट आप खरीद सकते हो ब्लॉग के लिए कम से कम पैसों में। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप एक ये माइक आप देख रहे हो, ये मैं प्रैंक के लिए यूज़ करता हूँ बेसिकली, और ये रोड का माइक है, बहुत ही अच्छा माइक है। तो ये ब्लॉग में आप यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये ब्लॉग के लिए आई थिंक बना नहीं है माइक। कर सकते हो भाई, कुछ भी किसी चीज़ से भी पॉसिबल हो सकता है, कर सकते हो, बट ये ब्लॉग के लिए उतना पॉसिबल है नहीं, ठीक नहीं लगता है। तो मैंने एक माइक लिया है स्पेशल ब्लॉग पर्पस से, बोया का Buy 1 MA 1 का ये माइक है। मतलब कोई पैसा वैसा नहीं मिला है भाई स्पॉन्सर करने के लिए, बस बता रहा हूँ इसके बारे में, मैंने खुद देखा है, वीडियोस करके मैंने देखा है। और मैं आपको ऐसा बता दूँ कि मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ब्लॉग मतलब बिगनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप ये माइक खरीद सकते हो ब्लॉग के लिए। आप ये माइक कैमरा में लगा सकते हो, आप ये माइक मोबाइल में लगा सकते हो, मतलब अलग अलग चीज़ों में ये सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद मैंने ये लिया है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अनबॉक्सिंग हो चुका ऑलरेडी इसका, और इसका अनबॉक्सिंग अगर आपको देखना है तो मेरे एक फ्रेंड है अमन नाम से, और उनका टेक चैनल है एक योग के नाम से। तो इसका अनबॉक्सिंग अगर आपको देखना है, इसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी लेनी है, तो आप टेक योग के चैनल पर जा सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेरे भाई है बहुत अच्छा टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो आप वहां से इसका इन दोनों का अनबॉक्सिंग देख सकते हो। फिलहाल ये अभी अनबॉक्स है, मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा नहीं, ज़्यादा टाइम आप लोग का लूंगा नहीं। तो ये एक यूनानजी कंपनी का ये ट्राइपॉड है। एक और बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेट कैसे होता है और ये काम कैसे करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इसी से ब्लॉग्स शुरू करने वाला हूँ, इसी से चैनल अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, और जितना भी ब्लॉग मिलेगा इस चैनल पे आपको इसी ट्राइपॉड और इसी ये माइक का मिलने वाला है, और ये मेरे मोबाइल का मिलने वाला है। आई होप फ्यूचर में आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और अच्छे खासे थोड़ा सा सारा चीज़ हो जाए, तो शायद मैं एप्पल वगैरह ले लूँ तो फिर मैं एप्पल से ब्लॉग शूट किया करूँगा। बट मैं अभी फिलहाल ब्लॉग मेरा जो भी आने वाला है, मेरा ब्लॉग अभी आएगा ये फिलहाल इसी मोबाइल का, वीवो V20 है, बहुत अच्छा मोबाइल टाइप है कैमरा वैमरा के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको ये सेट है ही है ऑलरेडी, और सेट करने के बाद ये माइक वाइक जो भी है पूरा एकदम टक टक है। तो
तो दोस्तों ये पूरा सेटअप तैयार हो चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि सच बताऊँ तो मतलब इसका जो फीलिंग है ना, ये ग्रिप पकड़ने का और ये माइक वाइक, मतलब ऐसा बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। मतलब मैं इसका कोई ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कोई प्रचार कर रहा हूँ, बी ए हॉनेस्ट एक यूट्यूबर के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कम दाम में तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने टोटल 4000 के आसपास का लिया है। मतलब ये माइक, ये ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड 38-39 4000 के आसपास मिल जाएगा आपको। अगर ये आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेम माइक और सेम ट्राइपॉड का। आप वहां से भी जाके अमेजोन से के थ्रू सीधा आप परचेज कर सकते हो। अगला फुटेज जो होगा वो इसका होगा। अब यहाँ देखिए, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये मेरे रूम का कंडीशन, मतलब अभी ये ग्रीन स्क्रीन आई थिंक दिखता होगा और ये फुटेज है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मैं इससे अगर करूँगा मतलब ब्लॉगिंग तो कैसा लगेगा ये बताइए, और ये कैसा फील आएगा। मैं भी ब्लॉग करके आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। नहीं, सेटअप के लिए कुछ अलग ही है, मतलब मैं जो अपना मेरा रूम सेटअप है और मेरा जो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करता हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल तो नहीं है, बहुत जल्द चेंज करने वाले हैं, बट नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं वो दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में, दिखाऊंगा मैं कैसे एडिट करता हूँ, मेरा क्या सेटअप है, मेरा क्या उठना सोना खाना पीना होता है, तो वो मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद में आप देखिए, अभी लग रहा है ना एकदम फ्रेंडली, ज़बरदस्त वाला फील आ रहा है ना, ऐसे होगा आप जबरदस्त वाला ब्लॉग, है ना दोस्तों। तो आपने देखा कितनी आसानी तरीका से, मतलब वो हाथ में ग्रिप बन जाता है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ। और इससे ऐसा नहीं कि मैं लेकर कहीं जा नहीं सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत ही कम पैसे में, कम से कम यार इतना तो कुछ खर्च करना पड़ेगा यार, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और ब्लॉग स्टार्ट करना है। हालांकि आप मोबाइल से भी कर सकते हो मगर उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, या मोबाइल हाथ से छूट सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो खैर, आप ब्लॉग के लिए ये मिनिमम सेटअप ले सकते हो और ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आप बड़े हो, धीरे धीरे अपने आप को फैला सकते हो। ड्रोन ले लो, प्रो ले लो, गोप्रो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हो ब्लॉग के लिए, बट मिनिमम आप सेटअप ये ले सकते हो ब्लॉग के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बाद में आपको बता देता हूँ कि अगर जो भी आपके भाई, दोस्त, बहन अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खर्च की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉगिंग आप शुरू कर सकते हो, मैं भी ले सकता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकता था, मैं ले सकता था, बट मैंने सोचा कि भाई क्यों ना कम से कम पैसे खर्च करके ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो तकरीबन 4000 रुपये आपको लगेंगे, कम से कम खर्च में आप ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब चैनल बढ़ेगा धीरे धीरे, आप अपने आप को भी बढ़ाओ यार, सामान लो, ड्रोन लो, ये लो, वो लो, बहुत कुछ ले सकते हो। तो खैर, ये वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें नए हो तो इस वीडियो पे, और नए ही हो गए भाई, ऐसा बात नहीं है कि पुराने हो चुके होगे तो नबाग के। और इस चैनल पे मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेगी, कुछ ना कुछ मैं बोलते रहूँगा यहाँ पे इस चैनल पे आके, पक्कर करते रहूँगा, और ब्लॉग भी आते रहेगा कुछ ना कुछ। तो खैर, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।